हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे टेलीकॉम चैनल एसकेआर टेक हिंदी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे हुए थे और सवाल पूछे हुए थे क्या वोडाफोन आइडिया से पोर्ट करने का सही समय आ गया है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यूजर्स को अब जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया की ओर से लीगल एडवाइजरी जारी कर दिया गया है अपने सभी यूजर्स के लिए, जो जो लोग वोडाफोन आइडिया का सिम यूज कर रहे थे। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो एजीआर ड्यूज था और इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे ट्राई जो है नोटिस भेजा हुआ था। तो दोस्तों यहां पे इस नोटिस को लेकर के यहां पे वोडाफोन आइडिया ने अब बोला है कि वो 21 फरवरी से पहले जो है वो अपना पहला किस्त जमा कर देंगे। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि यहां पे वोडाफोन आइडिया पहला किस्त कितना जमा करेंगे, और साथ ही दोस्तों यहां पे बीएसएनएल की तरफ से 999 का एक 270 दिनों वाला प्लान आ गया है। यहां पे दोस्तों आपको पूरे 270 दिन मिलेंगे, कॉलिंग बिल्कुल भी अनलिमिटेड फ्री रहेगा। तो दोस्तों ये दोनों अपडेट पाने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और फ्री ऑनलाइन अर्निंग के लिए दोस्तों मैंने आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो दोस्तों जरूर से जाके फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। ₹200 पर इनवाइट बोनस अभी आपको मिल रहा है, क्योंकि यहां पे ये इनवाइट बोनस जो है कम हो जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है। तो अभी आप ले सकते हो, और ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है, तो प्लीज से इंस्टॉल कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना। और दोस्तों यहां पे आप सेफ यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी तरह के बिल भुगतान में या रिचार्ज या फिर बैंकिंग करने में या शॉपिंग करने में। दोस्तों मैं बात कर लेता हूं यहां पे वोडाफोन आइडिया की ओर से 21 फरवरी को जो है 2500 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे किए जाएंगे यहाँ पे जो, और इन्होंने बताया है कि वोडाफोन आइडिया जो है अपने वोडाफोन यूके का कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है। तो दोस्तों बता देता हूँ कि यूनाइटेड किंगडम का ये कंपनी है और ये इंग्लैंड से है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो है फंड गेन करेंगे, वहीं से फंड जो है यूके से गेन करेंगे 8000 करोड़ का। और जो इन्होंने बोला है कि ट्राई को कि ट्राई जो है लीगल नोटिस बिल्कुल भी ना भेजे वोडाफोन आइडिया को, ये जो है अपना जितना भी एजीआर का ड्यूज है वो धीरे धीरे क्लियर कर देंगे। और वोडाफोन आइडिया ने साफ बोला है कि वो जो है अभी इंडिया छोड़ के जाने वाले नहीं है, और वो अपना जितना भी एजीआर का बकाया राशि है वो भुगतान कर देंगे। तो यूजर्स के मन में बहुत ज्यादा सवाल जवाब थे। और बात कर लेते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो फटकार लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई को बोला था, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि आप जो है ढिलाई मत कीजिए और जल्द से जल्द सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को नोटिस भेजिए, लीगल नोटिस, और उनसे जो है एजीआर ड्यूज क्लियर करवाइए। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 14 फरवरी तक ही जो है वो अपना पहला किस्त जो है डलवाइए, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडा हो, चाहे वो आइडिया हो। तो दोस्तों इसी के ऊपर पे यहाँ पे एयरटेल ने जो है बोल दिया ही था कि वो जो है एक वीक के अंदर जो है उन्होंने 10000 करोड़ जो है वो बोला था कि अपना 10000 करोड़ का जो एजीआर ड्यूज है वो दे देंगे, क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे एयरटेल की तरफ से तो गुड न्यूज पहले ही आ गई थी 14 तारीख को ही, लेकिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लेट करके आए, लेकिन इन्होंने भी बोले हैं कि वो जो है 21 फरवरी तक जो है अपना पहला किस्त जमा कर देंगे, लेकिन टोटल ड्यूज जो है वो अभी क्लियर नहीं करेंगे, वो किस्तों में क्लियर करेंगे। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से एक RS 999 का प्लान आया हुआ है, इसमें आपको 270 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलते हैं। और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले जो था वैलिडिटी इसकी 240 दिन थी, और ये 15 फरवरी से 31 मार्च तक जो है आपको 270 दिनों की वैलिडिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये प्लान आप लोग लेके फ्री कॉलिंग का मजा उठा सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आप लोग किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं ये भी कमेंट करके बता देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।